नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ एवेंजर्स कैंग वॉर का फोर्थ एपिसोड शेयर करने वाला हूं। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नाडिया बेबी कैंग को लेकर टाइम स्ट्रीम में जाती है ताकि बेबी कैंग को वही रखा जाए जहाँ से वो आया है, लेकिन तभी उसे एडवांस लेवल के प्रिस्ट मिलते हैं जिनके पास इटर्नल फ्लेम थी जो सारे पैराडॉक्स को ठीक कर सकती है। इसलिए नाडिया उस फ्लेम का इस्तेमाल कर सारे एवेंजर्स को फिर से टाइमलाइन में लाती है और फिर बेबी कैंग को अपने टाइम में रखती है। लेकिन तभी सैम विल्सन एक प्लान बनाता है जो कैंग को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम विजन को देखते हैं जो कहता है कि इसे टाइम ट्रेटर कहते हैं। ये आज के समय को दूर तक कनेक्ट कर सकता है और इसी के मदद से हम कैंग को खत्म कर सकते हैं। तभी सैम विल्सन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है पर वो ये नहीं है। तब स्पाइडी विजन से पूछता है कि विजन, ये जो टेक्नोलॉजी की तुम बात कर रहे हो क्या वो 21st सेंचुरी में पॉसिबल है? लेकिन तभी वहां पर एक और विजन आता है जो फ्यूचर से था और वो कहता है कि नहीं, ये 21st सेंचुरी का नहीं है। फ्यूचर वाले विजन को देखकर सारे हीरोज उस पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन प्रेजेंट वाला विजन उन्हें रोक लेता है। तभी फ्यूचर वाला विजन कहता है कि मैं जिंदा रह सकता हूँ और इसीलिए मैंने टाइम ट्रैवल के बारे में काफ़ी सीखा है। तभी फ्यूचर वाला विजन सबको कैंग प्राइम दिखाता है और कहता है कि ये कैंग प्राइम असल में कैंग है और बाकी सारे कैंग उसके वेरियंट्स है और ये कैंग प्राइम टाइम के एंड पर रहता है। तभी फ्यूचर वाला विजन कहता है कि हमें उस हर एक समय में जाना होगा जिसमें कैंग के वेरिएंट्स हैं और उन्हें वहीं पर रोकना होगा और इसके लिए हमें इन बॉम्ब्स की ज़रूरत होगी। और एक बार सारे वेरिएंट्स खत्म हो गए तो कैंग टाइम के बेस को उड़ाने में आसानी होगी और फिर कैंग के पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन तभी जेन कहती है कि हर एक वेरिएंट के पास जाने के लिए हमारे पास इतने एवेंजर्स नहीं है, जिस पर सैम विल्सन कहता है कि वो मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमें किसकी मदद लगेगी। फिर एवेंजर्स बैक्स्टर बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं जहाँ पर स्पाइडी को पता चलता है कि बैक्स्टर बिल्डिंग में एक टाइम मशीन है। तभी फ्यूचर वाला विजन कहता है कि मैं खुद टाइम में ट्रैवल कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों के लिए इस मशीन की ज़रूरत होगी। तभी सैम विल्सन विजन से कहता है कि इस फ्यूचर विजन पे भरोसा नहीं रख सकते हैं, जिस पर विजन कहता है कि जब मैं बेबी कैंग को किडनैप करने गया था तब इसी ने मेरी मदद की थी और हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। तभी सैम एवेंजर्स से कहता है कि हम टीम्स बना लेते हैं और इसमें सबसे पहली टीम होगी हमारे पुराने एवेंजर्स की जो हमारी मदद करेंगे। तभी हम देखते हैं कि स्पाइडी पुराने एवेंजर्स से मिलने गया है जिसमें है जायंट मैन, थॉर, हल्क और आयरन मैन। फिर हम सैम विल्सन को देखते हैं जो कैप्टन अमेरिका, शी-हल्क और कई सारे हीरो से मिलने आता है और सारे एवेंजर्स इकट्ठा हो जाते हैं और तब सैम स्पाइडरमैन, हल्क, ब्लैक नाइट और हर्कुलिस को अपने साथ ले जाता है और थॉर, जायंट मैन, कैप्टन मार्वल और वॉस्प को जाने के लिए कहता है और आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, शी-हल्क और नेमर को नाडिया के साथ जाने के लिए कहता है। ये कहते ही सैम विल्सन कहता है एवेंजर्स असेंबल। तभी सैम और उसकी टीम टाइम मशीन के जरिए इजिप्ट के 2948 BC में पहुंच जाते हैं। तभी सैम कहता है कि हमें वहां पर जाना होगा जहां पर कैंग के लोग एक मशीन बना रहे हैं, लेकिन हमें जाके उसे रोकना होगा। तभी हल्क और हर्कुलिस तोड़ते हुए आगे जाते हैं, लेकिन तभी उन सबको पकड़ा जाता है। लेकिन तभी ब्लैक नाइट उन गार्ड्स के गन फोड़ देता है और हर्कुलिस एक गार्ड को पंच मारता है। तभी स्पाइडी हल्क से कहता है कि जल्दी जाके वहाँ की जमीन को अपने हल्क स्मैश से हिला दो। ये कहते ही हल्क स्मैश करता है और वहाँ सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तभी स्पाइडी कहता है कि कैंग यहाँ पर सिर्फ गुलाम नहीं बना रहा है बल्कि वो तो यहाँ पर वेपन्स बना रहा है, ऐसे वेपन्स जो कहीं से भी पावर ले सकते हैं। ये कहते ही स्पाइडी उस मशीन की ओर आता है। तभी स्पाइडी कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैंग इसे कैसे चलाता है, पर यह हाई टेम्परेचर वाला गैस फ्यूजन रिएक्टर है जो यूरेनियम और प्लूटोनियम से चलता है। यानी कि सीधे सीधे कहूँ तो ये एक ऐसा रिएक्टर है जिसमें अगर विजन का बॉम्ब डाल दे तो काम बन जाएगा। ये सारी बातें दोनों विजन्स देख रहे थे। तभी हम पीछे से कुछ लोगों को देखते हैं जो चुपचाप वहाँ से एक मशीन लेकर चले जाते हैं। यहाँ नाडिया की टीम प्लैनेट स्कानिया पे 7215 AD में आ जाती है। तभी कैप्टन मार्वल कहती है कि मुझे पता नहीं कि ये राग क्या है पर यहाँ कुछ है। ये कहते ही वे सब लोग आगे आते हैं। तभी वे लोग एक जगह देखते हैं जहाँ पर कैप्टन मार्वल कहती है
यहाँ पर कैंग के टाइम सिंडिकेट्स है और वे लोग यहाँ माइनिंग कर रहे हैं। तभी वो क्रिचर्स जो माइनिंग कर रहे थे उनसे थॉर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो क्रिचर कहता है कि हम यहाँ पर माइनिंग करते हैं और तुम कौन हो, जिस पर थॉर बोलने वाला ही था कि तभी बीच में नाडिया आती है और कहती है कि हमें कैंग ने भेजा है यहाँ का हाल पूछने और जल्दी बताओ कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी वो क्रिचर कहता है कि हम कैंग के लिए माइनिंग करते हैं और हम यहाँ टाइम की माइनिंग करते हैं, जब रिसोर्सेज खत्म होते हैं तब हम ये सब कुछ करते हैं। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल उन क्रिचर्स पे अटैक करती है और तब सारे एवेंजर्स टूट पड़ते हैं। तभी एक क्रिचर नाडिया को अपनी जीप से पकड़ लेता है, लेकिन जायंट मैन उस क्रिचर को घुसा मारकर नाडिया को अलग करता है। लेकिन तभी जायंट मैन देखता है कि वो फ्रीज हो गया है और तब वो देखता है कि ये उस क्रिचर ने किया है। लेकिन तभी नाडिया देखती है कि बाकी सारे एवेंजर्स भी फ्रीज हो गए हैं। यहाँ दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका 4022 एडी में कैप्टन अमेरिका को किसी ने पकड़ कर रखा था और तब वो आदमी कैप्टन से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा, लेकिन कैप्टन कुछ नहीं कहता है। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन के साथ वहाँ पर शीहल, नेमर और आयरन मैन भी थे। तभी कैप्टन कहता है कि ये मेरी गलती है कि मैंने ये करने दिया, लेकिन अब हम उस आदमी के सामने हैं जो सबसे बड़ा खतरा है, जिसे हम हरा नहीं सकते हैं, लेकिन अब हमने उसे रोका तो काम बन जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जेनेट को पकड़कर कैंग के पास लाते हैं, जो कहता है कि मैं हूँ कैंग द कॉन्करर और मैं फिर से पूछता हूँ कि कौन हो तुम। Change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and